ये देखें जी, छोटी छोटी बिंडिया भी लगना शुरू हो गई हैं। समर वेजिटेबल्स पार्ट 5। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको पंजाब पाक गार्डनिंग में। ये पांचवा पार्ट है समर वेजिटेबल के वाले से। तो आप देख रहे होंगे कि सब्जियों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है। सबसे पहले आपको करेले के पौधे दिखाता हूँ। ये देखें जी, करेले की बेल ऊपर चढ़ना भी शुरू हो गई है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये जो मैंने धागे वगैरह बांधे हैं, ये जो डोरियाँ लगाई हैं, यहाँ पर इनको चढ़ाऊँगा तो ये माशाल्लाह से ऊपर भी चढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ये मज़ीद ग्रोथ करेंगे, मैं इससे ऊपर इनको नहीं जाने दूंगा। जैसे ये ऊपर जाएंगे तो मैं ऊपर से कट कर दूंगा। तो ये देखिए, माशाल्लाह से दो पौधे हैं और दोनों काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और इसके बाद आ जाते हैं भिंडी की तरफ। आप देख रहे होंगे कि भिंडी के सिर्फ तीन पत्ते हैं, एक ये पौधा है और इसके अलावा एक ये पौधा है। इसमें देखें, ये देखें व्यूअर्स, दो भिंडियाँ भी लग चुकी हैं। मैं हैरान हूँ कि अभी सिर्फ तीन पत्ते हैं, पौधा अभी बड़ा नहीं हुआ। तो इस वजह से मुझे हैरानी है, इसको मज़ीद बड़ा होना चाहिए और मज़ीद इसको ग्रोथ करनी चाहिए। कोई बात नहीं, अभी मरा नहीं, तो आगे चलते हैं। आगे मैंने लगाए थे 12 इंच की पॉट में दो गिया तोरी के पौधे। ये देखें, ये अभी बेल ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखें, इसकी जो ये जो वायर होती है ये लपेट लेती है। ये देखें, ये इसको लपेट लेगी धागे को और ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये दूसरा पौधा भी है, ये भी इसकी भी ग्रोथ थोड़ी कम है और माशाल्लाह से ये भी ग्रोथ करेंगे। और इसके बाद आ जाते हैं शिमला मिर्च की तरफ। ये देखें, इसके भी तीन से चार पत्ते हैं और इसकी भी ग्रोथ काफ़ी स्लो है। ज़्यादातर जो मेरे पौधे हैं सब्ज़ी वाले, इनकी ग्रोथ काफ़ी कम है। और इसके बाद आ जाते हैं पर्पल बैंगन। मैंने पर्पल बैंगन लगाया था और ये देखें, इसके भी पाँच से छः पत्ते आ चुके हैं और ये भी ग्रोथ कर रहा है। इसके साथ मैंने एक और लगा दिया था, ये देखें, ये भी शिमला मिर्च का है और ये भी यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। इसको मैं हटा दूँगा और इसको ग्रोथ करने दूँगा। और इसके बाद फिर मज़ीद आ जाता है शिमला मिर्च का पौधा, ये भी तकरीबन 6 से 8 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है। और इसको आप देख रहे होंगे कि इसके जो पत्ते हैं थोड़े से साइडों से टूटे हुए हैं। व्यूअर्स, मेरे ख्याल से चिड़ियों ने शिमला मिर्च के पत्तों को यहाँ से खा लिया है। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा पत्ते छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे और यहाँ से इन्होंने नोचा हुआ है, ये देखें। और इसके बाद फिर शिमला मिर्च का आ गया। मैंने सफ़ेद बैंगन के लगाए थे और गलती से शिमला मिर्च के ही यहाँ पर लग गए हैं और ये भी यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। और इसके बाद ये भी शिमला मिर्च का है और ये भी काफ़ी, इसके भी 4-5 पत्ते आ चुके हैं। और इसके बाद मैंने लगाए थे वाटरमेलन के सीड लगाए थे, लेकिन वाटरमेलन का कोई भी पौधा ग्रो नहीं कर पाया। तो इसकी जगह मैं लगा दूंगा कोई शिमला मिर्च का पौधा या कोई बैंगन का पौधा। इसके बाद अंदर चलते हैं, पॉली हाउस की तरफ चलते हैं। तो पॉली हाउस में देखते हैं कि सब्ज़ी वाले पौधों की क्या ग्रोथ जा रही है। तो आइए मेरे साथ। ये देखें जी, ये मेरा छोटा सा पॉली हाउस है और इस सीमेंट वाली पॉट में मैंने करेले की एक बेल लगाई है। ये देखें, ये करेले की बेल है और ये एंकर कर रही है ये ऊपर वाली डोरी को। ये जो मैंने धागा लगाया ना, इसको एंकर कर रही है, ये ऊपर आस्ता आस्ता चढ़ती जाएगी। और इसके अलावा ये देखें, ये जो बेल है ये गिया तोरी की है, दो बेलें हैं। और इसके बाद व्यूअर्स, मैंने ये सफ़ेद बैंगन का पौधा लगाया है, ये भी 3-4 पत्ते हैं इसके और ये भी माशाल्लाह से ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ बिल्कुल स्लो है। और इसी तरह दूसरी भी सीमट की पॉट में गिया तोरी की जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छी जा रही है। और ये देखें, ये भी गिया तोरी का एक पौधा है। इसमें मैंने कुछ और भी पौधे लगाए थे, ये देखें, ये सफ़ेद बैंगन का है लेकिन ये नीचे गिरा हुआ है और ये ग्रोथ नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से ये मर जाएगा। और इसके बाद आ जाते हैं ये मिट्टी की पॉट जो 16 इंच की है। इसमें ये देखें, गिया तोरी की बेल काफ़ी माशाल्लाह से ऊपर चढ़ना भी शुरू हो गई है। तो ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी जा रही है इस यहाँ पर। और इसके अलावा ये देखें, जो प्लास्टिक का बैग है, तोड़ा जिसको कहते हैं, इसमें मैंने लगाया था खीरा। ये देखें, खीरे का पौधा है और ये भी एक बेल होती है।
ये भी ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है। ये देखिए इसकी जो वायर है इसने एंकर करना शुरू कर दिया है इस धागे को, इसको धागे को एंकर करना शुरू कर दिया, तो ये माशाल्लाह से ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये अभी इसके 5 से 6 पत्ते हैं, इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन बहुत बेहतर है इसकी भी ग्रोथ। तो भी बस ये था समर वेजिटेबल्स का पार्ट 5। इंशाल्लाह मज़ीद आने वाले दिनों में इनकी ग्रोथ और भी बढ़ती रहेगी। तो जैसे ही ये फ्रूटिंग पर आ जाएंगे तो मैं दोबारा आपको अपडेट करूँगा। तो मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।